दिल्ली के पास झज्जर में ही हल्के भूकंप क्यों आते हैं और क्या वजह है, आखिरकार झज्जर ही क्यों भूकंप का केंद्र बनता है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के निदेशक विनीत गहलोत जी। सर, जब बात आती है दिल्ली के आसपास जब भूकंप आते हैं, या तो झज्जर होता है केंद्र या कहीं आसपास जैसे मथुरा के पास में कोई केंद्र होगा, तो झज्जर में ही आखिरकार इतने भूकंप क्यों आते हैं? देखिए, इसको समझने के लिए आपको कम से कम सेवरल मिलियन ईयर्स बैक आपको जाना पड़ेगा कि मतलब क्या जियोलॉजिकल कंडीशंस थी, क्या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे भूकंप आते हैं। अगर दिल्ली को देखें तो दिल्ली के आसपास दो इलाके हैं जहाँ से कि आपको भूकंप अक्सर फील करते हैं। एक तो हिमालय का इलाका है जो कि यहाँ पे है, इसमें अगर आप देख रहे हैं इस मैप में, तो ये जो पूरा इलाका है, ये जो येलो लाइन जो दिखा रखी है हमने या रेड लाइन जो दिखा रखी है, ये पूरा का पूरा इलाका जो है हिमालय का इलाका है। मतलब हिमालय में लगातार भूकंप आते हैं, ये हमें मालूम है। अगर इसमें ध्यान से देखें तो ये देहरादून है और ये यहाँ पे काठमांडू है। तो आपको अक्सर गढ़वाल कुमाऊं के जो अर्थक्वेक हैं वो आपको खूब अच्छी तरह यहाँ पे आपको फील होते हैं, दिल्ली में फील होते हैं। फिर उसके बाद आप ये दिल्ली देख रहे हैं, ये दिल्ली के आसपास ये छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये जो बिंदु हैं ये वो छोटे छोटे अर्थक्वेक्स हैं। आप ये देखेंगे कि ये जो इनका जो साइज़ है बहुत छोटा है और जो यहाँ पे जो अर्थक्वेक आ रहे हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिल्ली और आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर छोटे छोटे भूकंप आते हैं, यानी जिनका रिश्टर स्केल पर अगर हम बात करें तो जो मैग्नीट्यूड होता है वो 3 के आसपास होता है और मैक्सिमम अगर जाएंगे तो 5 के आसपास पहुंचेगा, इस तरीके की स्थिति रहती है। तो सर, जैसा आप बता रहे थे कि छोटे छोटे अर्थक्वेक दिल्ली के आसपास आते हैं, अगर इनके साइज अगर देखें तो सब छोटे छोटे अर्थक्वेक्स हैं। ये अर्थक्वेक इसमें सबसे बड़ा अर्थक्वेक शायद अभी तक 5 या 5.5 मैग्नीट्यूड का हुआ है। ये तो दिल्ली को जो दिल्ली में जो अर्थक्वेक फील होते हैं वो या तो हिमालय से फील होते हैं और या फिर ये छोटे अर्थक्वेक जो दिल्ली के आसपास के इलाकों में आते हैं। ये इस इलाके को हम लोग दिल्ली हरिद्वार रेंज कहते हैं। ये बेसिकली अगर आप अरावली जो राजस्थान से निकलती हैं उसको अगर आप एक्सटेंड करें तो आपको दिल्ली के आसपास के इलाकों में आपने खूब मोटी मोटी चट्टानें देखी होंगी, लेकिन जब दिल्ली के नॉर्थ में जाते हैं, गाजियाबाद होके मेरठ होके जाते हैं, तो आपको वो चट्टानें दिखनी बंद हो जाती हैं। अलूवियम दिखता है। तो वो चट्टानें बेसिकली, हमारा ही मानना है और ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं कि वो चट्टानें बेसिकली हैं, वो नीचे हैं, उसके ऊपर अलूवियम आके बैठ गया है। तो ये वो अरावली इसका ही एक्सटेंशन है जिसको हम दिल्ली हरिद्वार रेंज कहते हैं। मतलब दिल्ली के पास आकर अरावली नीचे चली जाती है, वो सेडिमेंट्स के नीचे चली जाती है। वो हम ये मानते हैं कि वो हिमालय तक एक्सटेंड करती है, मतलब यहाँ से जाकर हरिद्वार होते हुए हरसिल तक। इसीलिए हम उसको दिल्ली हरिद्वार रेंज कहते हैं, इसलिए हम उसको दिल्ली देहरादून रेंज कहते हैं। यही वजह है कि उसको इस तरह से हम नाम देते हैं। हमें ये मालूम है कि यहाँ पे ये जितने भी छोटे अर्थक्वेक्स हैं वो सब उससे रिलेटेड हैं। वो सारे छोटे अर्थक्वेक जितने आते हैं वो दिल्ली हरिद्वार रेंज से लिंक्ड हैं। ये एक अच्छी बात इसमें ये है कि ये जितने भी अर्थक्वेक्स हैं ये सब छोटे छोटे अर्थक्वेक्स हैं, ये अर्थक्वेक बड़े नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक प्लेट बाउंड्री नहीं है, जो कि प्लेट बाउंड्री इसको जैसे हम हिमालय को कहें कि वो प्लेट बाउंड्री है। यहाँ पर दो प्लेट हैं जो आपस में टकरा रही हैं, नीचे से साउथ से इंडियन प्लेट है और इस इधर उधर से नॉर्थ से यूरेशियन प्लेट है। लेकिन ये जो दिल्ली हरिद्वार रेंज है ये विद इन इंडियन प्लेट है, तो ये कोई प्लेट बाउंड्री रीजन नहीं है, ये विद इन इंडियन प्लेट है। और विद इन इंडियन प्लेट में ये एक हिटरोजेनिटी है, मतलब आप ये समझिए कि अगर कोई तख्ता लें लकड़ी का, वो होमोजीनियस है, उसमें कोई जोड़ नहीं है, लेकिन अगर कुछ उसमें जोड़ होते और फिर आप उनको चिपका दिया या उसमें कुछ उसको फिक्स कर दिया तो वो उसकी कमजोरी बन जाती है, वो अगर टूटेगा तो अगली बार वहीं से टूटेगा। तो ये जो 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 हेटरोजेनिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ कि भाई डिफरेंट स्ट्रक्चर निकल के आ गए, यहाँ से दिल्ली हरिद्वार रेंज हो गई या अरावलीज हो गए, ये एक जो होमोजीनियस सो कॉल्ड होमोजीनियस इंडियन प्लेट है उसमें बीच बीच में छोटे छोटे हेटरोजेनिटीज हैं, अभ्रंश हैं उसमें, या जिनको फॉल्ट भी कह सकते हो, उसकी वजह से यहाँ पे छोटे अर्थक्वेक आते हैं। अच्छा, ये क्या झज्जर इसी दिल्ली हरिद्वार रेंज पे है? बिल्कुल, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, ये जितने भी इलाके हैं ये सब दिल्ली हरिद्वार रेंज पे हैं। ये दिल्ली हरिद्वार रेंज कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक छोटी सी पतली सी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चौड़ी कोई चीज़ है, ये इसकी एक्सटेंड जो है वो 50-60 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई हो सकती है। सर, एक और दिल्ली मुरादाबाद भी बोला जाता है, वो क्या है दिल्ली मुरादाबाद? देखिए, एक यहाँ पे कि
एक अर्थक्वेक हुआ था मुरादाबाद में, उसको 1966 में शायद अर्थक्वेक हुआ था, 1966 में एक अर्थक्वेक हुआ था, ये शायद ये रेड डॉट जो है वही है ये। इसको हम दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट कहते हैं। दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट को मुझे नहीं लगता है कि आप ज़मीन पे देख सकते हैं क्योंकि वो सब एलुवियल कवर एरिया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक अर्थक्वेक हुआ और उस अर्थक्वेक ने बताया कि मोशन इस डायरेक्शन में हुआ था, तो हमने एक दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट की मुरादाबाद फॉल्ट की बात करनी शुरू की। लेकिन उसका ज़मीन के ऊपर क्या एक्सप्रेशन है, वो ज़मीन पर कैसा दिखता है, वो किसी को मालूम नहीं है। लेकिन मुरादाबाद फॉल्ट दिल्ली हरिद्वार रिज से डिफरेंट है, वो उसका मुरादाबाद फॉल्ट का दिल्ली दिल्ली की सेस्मिस्ट्री या झज्जर की सेस्मिस्ट्री उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं झज्जर रोहतक आसपास जो भूकंप आते हैं वो मुरादाबाद फॉल्ट से कोई लेना देना नहीं। उसका मुरादाबाद फॉल्ट सर एक और नाम लिया जाता है जैसे दिल्ली सरगोधा रिज बोलते हैं, वो क्या है दिल्ली सरगोधा फॉल्ट? हाँ देखिए ऐसा है कि ऐसे हमारे पास कई सारे रिजेज हैं, एक हम कहते हैं कि दिल्ली हरिद्वार रिज है, फिर हम कहते हैं एक मुंगेर सहरसा रिज है, फिर हम कहते हैं एक फैजाबाद रिज है। तो ये सब रिजेज हैं जो इंडियन प्लेट के ऊपर जो जो हेट्रोजिनिटीज हैं वो बैठी हुई हैं, उनमें से कुछ जो रिजेज हैं जैसे दिल्ली हरिद्वार रिज है वो उसमें थोड़ा सेस्मिक एक्टिविटी दिखाई देती है, लेकिन फैजाबाद रिज हो गई या मुंगेर सहरसा रिज हो गई इसमें अर्थक्वेक जनरली कम आते हैं, उतनी एक्टिव नहीं है जितनी कि दिल्ली हरिद्वार रिज है। उसी तरह से एक दिल्ली सरगोधा रिज भी है, वो इसमें लोगों का ये मानना है कि एक रिज दिल्ली हरिद्वार रिज वो ऑलमोस्ट नॉर्थ साउथ जाती है और एक रिज जो है इसको क्रिस क्रॉस करती है जो कि पाकिस्तान में जाके घुस जाती है। जी हाँ, तो उसको शायद दिल्ली सरगोधा रिज कहते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे जितनी भी रिजेज हैं जितने स्ट्रक्चर्स हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जितने माउंटेन्स हैं वो सारे एक्टिव हों। ये बेसिकली तो पहाड़ी श्रृंखला है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि जितनी पहाड़ी श्रृंखला है वो सब एक्टिव हों। जैसे महानदी जो का जो जो इलाका है वहाँ पे भी एक्टिविटी रही थी पास्ट में, लेकिन वो उतना एक्टिव नहीं है जितना कि हमारा सतपुड़ा रेंजेस हैं या ये जिसको हम नर्मदा सोन रिफ्ट जोन कहते हैं या जिसको हम गोदावरी रिफ्ट जोन कहते हैं, तो वो ज़्यादा एक्टिव हैं, जबकि ये फैजाबाद रिज जो है या मुंगेर सहरसा रिज वो इतनी एक्टिव नहीं है, वहाँ पे कोई आपको जनरली सेस्मिक एक्टिविटी बहुत कम दिखाई देती है। सर एक आखिरी सवाल, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को सबसे ज़्यादा जो भूकंप का खतरा है वो दिल्ली के आसपास के भूकंपों से है या दूर के भूकंप या हिमालय के भूकंप से सबसे ज़्यादा खतरा? ये थोड़ा सा मुश्किल है उस तरह से कि आप ये मानिए कि अगर जैसे मैं जहाँ यहाँ बैठा हूँ तो अगर मेरे ठीक नीचे इस इलाके में लोधी गार्डन के आसपास अगर मैग्नीट्यूड 5 का अर्थक्वेक ठीक मेरे नीचे आ जाए शैलो डेप्थ पे आ जाए तो वो अर्थक्वेक भी काफ़ी डैमेज कर सकता है। तो यानी कि छोटा अर्थक्वेक भी एक लोकलाइज छोटे से इलाके में डैमेज कर सकता है, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो दिल्ली को मेन खतरा है वो जो अर्थक्वेक जो भूकंप हिमालय में आते हैं उनसे ज़्यादा खतरा है। आपको याद होगा जैसे कि कुतुब मीनार जब जाएँ वहाँ पर आप तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक अर्थक्वेक हुआ था गढ़वाल कुमाऊँ में जिसकी वजह से उसके सबसे ऊपर वाली जो मीनार थी कुतुब मीनार की उसमें डैमेज हुआ था। कुछ लोग उसको कहते हैं कि नहीं वो शायद लाइटनिंग की वजह से हुआ था बिजली गिरने की वजह से, लेकिन वहाँ अगर आप देखें तो वहाँ लिखा हुआ है कि वो अर्थक्वेक की वजह से हुआ था। तो आप ये सोचिए कि वो अर्थक्वेक अब हम ये मानते हैं कि वो शायद श्रीनगर देवप्रयाग के आसपास आया था वो अर्थक्वेक गढ़वाल में, यानी कि वो अर्थक्वेक जो कि उतना बड़ा नहीं था उसका मैग्नीट्यूड 7 के आसपास था, उस अर्थक्वेक ने भी कुछ हर अर्थक्वेक थोड़ा अलग अलग होता है उसका रेस्पॉन्स उसका इम्पैक्ट जो 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 आप जिस इलाके में हैं वो अलग अलग हो सकता है। तो उस वाले अर्थक्वेक ने आप सोचिए कि दिल्ली में भी डैमेज पैदा किया था जो 7 मैग्नीट्यूड का था। तो हम लोगों को जो सबसे बड़ा जो जो डर रहता है वो ये है कि अगर कोई बड़ा अर्थक्वेक कोई हिमालय में गढ़वाल कुमाऊँ में आता है तो उसकी वजह से दिल्ली को ज्यादा खतरा है। मतलब अगर हिमालय में बड़ा अर्थक्वेक आता है ज्यादा खतरा है दिल्ली के आसपास जो है वो छोटे-छोटे आसपास जनरली छोटे अर्थक्वेक आते हैं। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पे कोई बड़ा अर्थक्वेक नहीं आना चाहिए क्योंकि ऐसा हिस्ट्री बताती है, अगर हम पिछले 40-50 साल के अर्थक्वेक देखें तो जनरली वो अर्थक्वेक जो है वो छोटे अर्थक्वेक हैं, लेकिन इसकी गारंटी ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पे बड़ा अर्थक्वेक नहीं आएगा। हो सकता है कुछ 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ जाए। आपको भूलना नहीं चाहिए कि जो लाटूर अर्थक्वेक था वो उसका मैग्नीट्यूड केवल 6.3 था
और उसने 10,000 लोगों को मारा था, बहुत ज़्यादा डैमेज किया, क्योंकि वो रूरल इलाके में आया था जहाँ पे घर बिल्कुल, घरों की हालत बहुत खस्ता थी। तो अल्टीमेटली बात यहाँ पे आके रुक जाती है कि अर्थक्वेक की वजह से लोग नहीं मरते हैं, लोग जो मरते हैं वो बिल्डिंग की वजह से मरते हैं, आपके पूरे स्ट्रक्चर्स की वजह से मरते हैं, आपकी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से मरते हैं। वेलो जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं दिल्ली और आसपास के इलाकों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ कहा जा सकता है कि दिल्ली हरिद्वार रिज है, साथ ही साथ दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट है, दिल्ली सरगोधा फॉल्ट है, और इन सब की वजह से दिल्ली के आसपास रोहतक, झज्जर, इन सब जगहों पर हल्के अर्थक्वेक लगातार आते रहते हैं। इन हल्के अर्थक्वेक से किसी बड़े नुकसान की संभावना तो नहीं रहती है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि इस इलाके में कोई 6 की इंटेंसिटी का या 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा या नहीं आएगा, निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम दिल्ली पर खतरे की बात करें तो इसे जोन 4 में रखा जाता है, और जोन 4 में इसलिए रखा जाता है क्योंकि हिमालय से ये ज़्यादा नज़दीक है, और हिमालय में जब कोई बड़ा अर्थक्वेक आएगा तो निश्चित तौर पर दिल्ली में नुकसान होगा, ऐसा कहा जा सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जब हमने बात की राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के डायरेक्टर से, तो उन्होंने कहा कि देखिए भूकंप नहीं मारता है बल्कि बिल्डिंग्स मारते हैं, यानी जो खराब कंस्ट्रक्शन है, जो खराब तकनीक है, पुरानी तकनीक है, अगर उससे आपने मकान बनाया हुआ है तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और लिहाजा भूकंप से बचने के लिए आप अपने मकान को मजबूत करिए और उसके लिए जो प्रिपरेशन है उसको लगातार बढ़ाते रहिए।